फ्रेंड्स, मैं हूं बबली, आपका स्वागत करती हूं बबली किचन में। और फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूं एगलेस चॉकलेट केक, जिसको मैंने बिना ओवन के कढ़ाई में बनाया है और ये बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स, इसको मैंने पूरे मेजरमेंट के साथ बताया है, जिससे कि आपका भी केक एकदम पहली बार में ही परफेक्ट बनेगा। तो आइए ये चॉकलेट केक बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट केक का बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक छन्नी और इसमें हम डालेंगे एक कप मैदा और डालेंगे कोकोआ पाउडर। तो कोकोआ पाउडर मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून डालेंगे चॉकलेट पाउडर। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 टेबल स्पून डालेंगे पाउडर शुगर, चीनी को पीस लीजिए, पाउडर शुगर बन जाएगा। 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। और अब सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे अच्छी तरह से। छानना बहुत ज़रूरी है, इससे लम्स भी हट जाते हैं और अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट का आप ध्यान रखेंगे, और अगर मेजरिंग स्पून आपके पास नहीं है तो कोई भी छोटा स्पून से आप मेजरमेंट कर लें। तो इसको निकाल लेते हैं। सारी सामग्री को छानने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 200 ग्राम्स डालेंगे कंडेंस मिल्क, इससे केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 50 ग्राम्स लिया है मैंने बटर, इसको पहले मेल्ट कर लेंगे फिर डालेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको मेल्ट करके डाल रही हूँ यहाँ पे। और 1 टेबल स्पून डालेंगे कुकिंग ऑयल और इसको मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। सारी सामग्री को हम मिला लेंगे एक बार। इसके बाद 1 कप पानी को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, वार्म वाटर डालना है इसमें और थोड़ा थोड़ा करते हुए इसको मिलाएंगे। और एक सेमी थिक बैटर बनाना है और इसको ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, बस हमको ये देखिए थोड़ा थोड़ा करते हुए हम मिला रहे हैं। और इसको हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड से मिलाना है। तो इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, ऐसे कट एंड फोल्ड करना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स देना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा सेमी थिक बैटर बन के रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं, इसी तरह का घोल हमको चाहिए केक के लिए। ऊपर से गिराएंगे तो ऐसे लगातार गिरना चाहिए। तो ये अब रेडी हो गया है। केक जमाने के लिए केक टिन रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल या बटर लगा के इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से, चारों तरफ से लगाएंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ बटर पेपर, जिससे कि केक बहुत आसानी से निकल आता है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा मैदा डाल के डस्टिंग कर लीजिए चारों तरफ से, उससे भी आसानी से निकल आता है केक। और जो हमने बैटर बना के रखा था वो इसमें डालेंगे। देखिए, बिल्कुल इसी तरह का कंसिस्टेंसी चाहिए हमको। और इसको हाफ भरना है, ध्यान रखिए ऐसा ही केक टिन ले जिससे कि हाफ भरा रहे, क्योंकि फूल के और ऊपर आएगा। और इसको टैप कर लेंगे जिससे कि एयर बबल्स सारे निकल जाए। हम केक कढ़ाई में बनाने वाले हैं, इसलिए एक कढ़ाई को फ्लेम पे रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप नमक। इस नमक को आप बार बार भी यूज कर सकते हैं जब भी आपको केक बनाना हो। और एक स्टैंड रखेंगे, स्टैंड अगर नहीं है तो कोई कटोरी या बॉल भी रख सकते हैं। और इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। अभी 10 मिनट हो चुका है और ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो अब हम केक टिन इसमें रखेंगे, एकदम बीच में सेंटर में रखेंगे और ढक के इसको हम लो फ्लेम पे 30-40 मिनट्स तक बेक होने देंगे। फ्रेंड्स, 35 मिनट्स हो गए हैं। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो बीच में एक टूथपिक या फिर नाइफ कुछ भी डाल के चेक करें। अगर ये क्लीन निकला है, इसका मतलब केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो फ्लेम को ऑफ करके हम इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद अनमोल्ड करेंगे। हमारा केक ठंडा हो चुका है तो अब इसको अनमोल्ड करेंगे। तो साइड्स को पहले नाइफ से हम क्लीन करेंगे। अच्छे से बेक होने के बाद ये अपने आप साइड्स को छोड़ देता है, आप देख सकते हैं। और एक प्लेट रख के इसको उल्टा करके हम ऊपर से टैप करेंगे और बहुत ही आसानी से निकल आता है। अच्छा केक बनता है तो इसका यही निशानी है।
तो आप देख सकते हैं ये जो हमने बटर पेपर लगाया था इसको अब निकाल लेंगे। बटर पेपर नहीं भी रहता है तब भी बहुत आसानी से केक निकल आता है। और फ्रेंड्स हमारा केक एकदम परफेक्ट बना है और केक टिन एकदम क्लीन है, उसमें कुछ भी लगा नहीं है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी बना है। मैं इसे दबा के आपको दिखाती हूँ, ये एकदम सॉफ्ट है। और इस तरीके से बनाएंगे तो आपका भी केक एकदम पहली बार में ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा। तो मेज़रमेंट का ध्यान रखिएगा, मेज़रमेंट का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। और ज़रूरी नहीं है कि मेज़रिंग कप आपके पास होना ज़रूरी है, आप किसी बॉल से भी बराबर नाप के करेंगे तो अच्छा बनेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।